आपको टास्क क्या दिया गया है? कोई मुखबरी भी करनी है आपने? मुखबरी क्या, जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ हुआ है, जो उनके साथ उनके बैट्समैनों और उनके बॉलर्स के साथ जो मेरे अभी टीम में है उनके, जो मुझे पता होगा वो मैं अपने टीम वालों को बताऊंगा, अपने पाकिस्तान लड़कों को बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये ज्यादती नहीं है, आप उनके साथ मिले, आप इनको बताएंगे उनके राज? यही तो खूबसूरती है कि स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। जब मैं इंग्लैंड के साथ था तो इंग्लैंड के में जब मैं खेला करता था तो आई वॉज वेरी सिंसियर विद देम, मतलब जो मुझे पता होता था अपने पाकिस्तान टीम के लड़कों के बारे में भी वो मैं ज़रूर उनसे शेयर करता था। यानी आप एक खतरनाक कोच हैं। देखें, इंडिया को हम तब हरा दिया करते थे, हम मैच से पहले उनको पकड़ लेते थे, तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, मतलब कि उनको ग्राउंड में नहीं, मैच कल है आज शाम को, क्योंकि कोई नीचे लड़का मिल गया ना उनका, हमारे दो तीन लड़कों को, तो हम उसको ये कहते थे कि तुम देख लेंगे सवेरे। अब वो प्रभारकर और उसकी, मेरा ख्याल फैमिली थी उसकी, वाइफ और बच्चे थे मेरा ख्याल, वो लिफ्ट में आ रहे हैं और इधर से मैं, वकार और आकिब, हम लिफ्ट में चढ़े हैं और हमने उसको पढ़ गए, मतलब गुफ्तगू करते उसको ऐसा पढ़े हैं, और उसने 2 30 सेकंड के बाद कह दिया, खुदा दा वास्ता मेरे बीवी बच्चे ना आने, मैंने अच्छे तो जान दो यार। मुझे याद आ गया टोरंटो में ना सिद्धू खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था और अच्छी खेल रहा था, तो उसना निकल निकल के खेलने लग गया, तो मोइन और मेरी बात होगी, मैंने कहा मोइन ये तो सेट हो गया, इसको तंग करते हैं, तो पंजाबी जी कहता एडा वड्डा भाई हो गया कि इटा मारनिया निकल निकल के बौंगियां जी, हूँ तू निकल के मारी ना तो मैं शुएब अख्तर या मोहम्मद जाहिद को कह के तेरे बीमर मरवा के तेरे सर पे गेंद लगवा दूंगा। उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा ठहर जो, मैं वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हूँ, इतना इतना खेला हुआ, तुम कौन होते हो? इधर से मैं पास से गया, हालांकि दूसरा ओवर खत्म ही हुआ था, तो मैं पास से, मैं क्यों सिद्धू भा, तो कहें कि यार मोइन देखे मैनू की कैसी कैसी गुफ्तगू करता है मेरे नाल, तो मैंने कहा ना पंगा लो ऐ हो भी जाना जी, तो मैं चुप करके कह गया। अब ये साइकोलॉजिकली वो बॉल की कॉन्सेंट्रेशन उसकी खत्म होगी और वो अब ये आ गया कि इन्होंने मैं देख लेना है, वो अब मेरे ख्याल अगले 2 3 ओवर में बाद आउट हो गया था, गुस्से में आउट हो गया था। मगर मैच के बाद उनके प्लेयर अक्सर हमारे साथ खाना खाया करते थे, जब 89 का टूर था सचिन और मैं तो मेरे कमरे में रहते थे, तो क्रिकेट के बाद हम सारे इक्वल होते थे। मेरी एक दफा टॉम मूडी से लड़ाई हो गई, टॉम मूडी ऑस्ट्रेलियन है, 8 फुट का होता है और वो इतना खड़ा, और मुझे उसने छक्का मारा, तो पता नहीं हिट मारे तो हिट मार के ना तो आया इधर, हिट मार के ना इधर जा रहा था, तो मैंने उसको इंग्लिश में कहा, मैंने कहा इफ यू हिट मी अगेन आई विल सी यू आफ्टर द गेम, तू मैं हिट मारी ना तो मैं तेन गेम तो बाद तेन टक्कर लाँगा। मेरे से इस तरह करके देखा, कहते व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम क्या लड़ोगे मेरे साथ? सबसे चलाक ब्लाइंड ला रहा था, वो फंसा होता था तो उसको पता होता था किससे बंदे कैसे गप लगानी है, वो जब मार रहा होता था तो आपको कैसे मुस्कुरा के मिल रहा होता है, चौका मार के कहता आई डिड मीन दैट, मतलब वो आपको ऐसे हम्बली बात करेगा कि मैं मतलब नहीं सी कि चौका मारे, बच गया यार मेरे को। गुस्सा किस बैट्समैन पे चढ़ता? ब्रायन लारा थे, बहुत गुस्सा चढ़ता था, वो बहुत मारता था। वैसे वाकई उसने शेन वॉर्न को बड़ा मारा, उसने शेन वॉर्न को, मुरलीधरन को उसने बड़ा मारा, हालांकि मुरलीधरन का तो गेंद उससे अवे जाता है ना। शेन वॉर्न की दफा हम फंस जाते, शेन वॉर्न बड़ा अच्छा बॉलर था, वैसे सिर्फ सईद अनवर ने उसको खींचे, सलीम मलिक ने, हाँ मलिक साहब ने भी उनको बहुत अच्छा खेला हुआ, सलीम भाई ने भी उनको बहुत अच्छा खेला हुआ, बाकी वो फंसा लेता, वो तगड़ा बहुत, उसका हमने नाम रखा होता शेर खान।